इस समय की सबसे बड़ी अपडेट्स आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आ रहे हैं। जी हम आप सभी को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में चुनाव का असर जो है देखने को मिल रहा है। केंद्र ने निकाले 10 लाख पदों पर भर्ती विज्ञापन, तो इसी के साथ छत्तीसगढ़ में भी होगा 22,000 पदों पर भर्ती। छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट को चुनावी माहौल का फ़ायदा जो है मिलने वाला। जी हाँ, आने वाले समय में जो है छत्तीसगढ़ में 22,000 पोस्ट जो है होने वाला है। केंद्र सरकार ने जब 10 लाख पोस्ट निकाला है तो छत्तीसगढ़ में आपका इसी साल नवंबर महीने में जो है, नवंबर या दिसंबर महीने में, अभी कोई चुनाव का डेट नहीं आया, लेकिन नवंबर और दिसंबर महीने में ही छत्तीसगढ़ का विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और इससे पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है चुनावी सौगात, चुनावी माहौल का फ़ायदा, आप सभी स्टूडेंट के लिए 22,000 पोस्ट जो है होने वाला। तो कौन कौन से पोस्ट होने वाला है, किस तरीके से भर्तियां निकल कर आएगी, किस तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे, आप लोगों को कंप्लीट जानकारी जो है मिलने वाला है। तो 10 लाख पोस्ट केंद्र में और 22,000 पोस्ट छत्तीसगढ़ में। तो सबसे पहले अगर हम भर्ती की बात करें तो सबसे बड़ी बड़ी भर्ती और सबसे ज़्यादा ज़्यादा वैकेंसीज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे बड़ी भर्ती और सबसे बड़ी वैकेंसीज हैं सहकारिता विभाग में, 3,000 पोस्ट है। आपके जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक के जो है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद 1 नवंबर 2000 से आज तक के कभी भी छत्तीसगढ़ में इन 23 सालों में जो है कभी भी इतने ज़्यादा वैकेंसीज निकल कर 3,000 पोस्ट जो है अकेले सहकारिता विभाग में नहीं आया। ये पहला अवसर है, यह पहली बार आप लोगों को देखने को मिलेगा जब 3,000 पोस्ट पर सहकारिता विभाग का जॉब है। अब इसके साथ हम अगर दूसरी अन्य पोस्ट की बात करें तो 975 पोस्ट जो है एसआई के होने वाला है। प्रीलिम्स बस हुआ है, अभी इसका मेंस होना बाकी है, मेडिकल होना बाकी है, फिज़िकल होना बाकी है, इंटरव्यू होना बाकी है, तो अभी बहुत से फेजेस बाकी हैं। तो 975 पोस्ट एसआई के होने वाला है। साथ में जो है शिक्षक के 12,489 पदों पर जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के पोस्ट होने वाला है, 12,489। अगली पोस्ट की बात करें तो 2,000 पोस्ट जो है आपके जेल प्रहरी के और ट्रैफिक पुलिस के। जी हाँ, दोनों के लिए ही, जेल प्रहरी के लिए भी 2,000 होगा और जेल प्रहरी और ट्रैफिक पुलिस के लिए भी 2,000 पोस्ट होगा। तो दोनों ही भर्ती परीक्षा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो दोनों की तैयारी आप जो अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे लेवल पर कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अच्छे लेवल पर तैयारी करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशंस करेंगे, अच्छे से हार्डवर्क करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे, आपका सिलेक्शन इसमें जो है डेफिनेटली जो है देखने को मिल पाएगा। मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है, मेहनत का रिज़ल्ट आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो ये हो गया। साथ में जो है 5,853 पोस्ट जो है छत्तीसगढ़ में पुलिस GDS के होने वाला। साथ में DF पुलिस आरक्षक के जो है 2,259 पदों पर भर्ती होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा वैकेंसीज, कितने ज़्यादा भर्तियाँ आप सभी स्टूडेंट के लिए। साथ में जो है CGPSC में भी वन रक्षक के पोस्ट होने वाला है 291 पदों पर। साथ में महिला होमगार्ड के भी पोस्ट हैं और महिला पर्यवेक्षक के भी 300 पोस्ट हैं, हॉस्टल वार्डन के 400 पोस्ट हैं, ADO के 250 पोस्ट हैं, RI के 198 पोस्ट हैं। तो अनगिनत आप सभी स्टूडेंट के लिए लगभग 22,000 पोस्ट जो है इस समय, इस साल आप लोगों के लिए होने वाला है 2023, और 2023 में 22,000 पोस्ट। तो देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए भर्ती जो है, तो ये 2023 आप सभी स्टूडेंट के लिए एक अच्छा होने वाला है। बहुत ज़्यादा आप लोगों को इसमें फ़ायदा जो है मिलने वाला है 2023 में। 22,000 पोस्ट पर आप सभी स्टूडेंट के लिए भर्तियां, और एक के बाद एक जो है नई नई अपडेट्स, एक के बाद एक जो है नई नई वैकेंसीज, इसी तरह से आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है निकल कर आते जाएंगे। तो इन 22,000 पोस्ट की तैयारी आप जो है अभी से कर सकते हैं। अगर आप अभी से इन सभी पोस्ट की तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन कहीं पर देखने को मिल पाएगा। अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स का टाइम टेबल, एग्ज़ाम्स का जब डेट आता है तो उस समय आप लोगों के पास जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। आपके पास टाइम नहीं होता कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर पाएंगे, किस तरीके से तैयारी कर पाएंगे, कोई टाइम नहीं होता। आपको जो है सभी चीज़ों को बारीकी से जो है समझना होता है, तो इसलिए एग्ज़ाम्स होने से पहले, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स के पहले, प्रिपरेशन से पहले आपको जो है अच्छे से तैयारी करना है और अच्छे से सभी चीज़ों के बारे में जो है नॉलेज, जानकारी इकट्ठा करना है। जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा कामयाबी उतना ही मिल पाएगा, सक्सेस जो है उतना ही मिल पाएगा।
और बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो लोग बोलते हैं ना कि कामयाबी किस्मत के भरोसे, तो किस्मत के भरोसे कुछ नहीं होता। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो सक्सेस कहाँ से मिल पाएगा। तो चुनावी माहौल, चुनावी का फ़ायदा आप जो है उठा सकते हैं। केंद्र सरकार में 10 लाख पदों पर भर्ती होगा और छत्तीसगढ़ सरकार में 22,000 पदों पर। और ये सभी भर्ती परीक्षा, जितने भी भर्ती परीक्षा लिए जाएंगे, ये आपके सीजी व्यापम जीपीएससी के द्वारा होने वाला है। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में 700 पोस्ट आपके जो है रेलवे के भी होने वाला है। छत्तीसगढ़ में इंडियन रेलवे के 700 पोस्ट छत्तीसगढ़ में। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए बिगेस्ट अपडेट्स, एक के बाद एक आप लोगों के लिए वैकेंसी जो है निकल कर आ रहे हैं। बस आपको तैयारी अच्छे से करना है, प्रिपरेशन अच्छे से करना है। सिर्फ एक ही बार तैयारी करना है, एक ही बार कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपको बार बार में मेहनत करने की फिर ज़रूरत नहीं होगा। सक्सेस पाने के लिए सिर्फ़ एक ही बार है। तो इस एक बार अगर आपको कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की इतने अच्छे से तैयारी कीजिए, इतने ज़्यादा मेहनत कीजिए, एक बार जब आपका जॉब लग जाएगा, एक अच्छा एक बेस्ट पैकेज, एक अच्छा सैलरी मिलेगा, उसके बाद आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगे। क्योंकि बिना पैसों के आपके पास कुछ भी नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। तो उस पैसे के लिए आपको मेहनत करना ज़रूरी है। देर से बनो पर ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग आपकी खैरियत नहीं आपकी हैसियत पूछते हैं। तो इसलिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है और अपने आप पर भरोसा करना ज़रूरी है। अपने आप पर भरोसा करो और मेहनत करो। और ये चीज़ मत देखो कि मुझे कामयाबी नहीं मिल पा रहा, आप मेहनत करो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें कामयाबी ना मिल जाए। कई बार आपको लगेगा कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, हार मान लेना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक ये आपको सफलता ना मिल जाए, जब तक आपको कोई आपसे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई ना हो जाए। सफलता यही चीज़ मांगता है, सफलता हार्डवर्क मांगता है। जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रिपरेशंस करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, क्योंकि भगवान भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। अगर जो मेहनत नहीं करेगा उसका साथ भगवान भी नहीं देगा। तो यदि आप मेहनत करते हैं तो आज नहीं तो कल आपकी किस्मत ज़रूर बदलेगा, और आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन ज़रूर हो पाएगा। बस मेहनत करना, कभी मैं मत छोड़ना। तो आने वाले समय में आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी बिगेस्ट अपडेट्स होने वाला है। 22,000 पोस्ट जो है निकल कर आने वाला है। बस आपको यही बोलना चाहता हूँ, मेहनत करो, तैयारी करो। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। कामयाब होना है तो मेहनत करो। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, एंड वीडियोस को शेयर कर देना, ताकि बहुत से लोग होते हैं जिन तक वीडियोस जो है नहीं पहुंच पाता, कम से कम उन लोगों तक वीडियोस पहुँचाए, ताकि बाकी लोगों तक जानकारी मिल पाए।